So the next point for the formation of the company, that is the capital subsistence stage. So after the company getting registered from the registered company, the private company can start their business. But the public company has to follow the third stage of the formation of the company. मतलब प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर्ड होने के बाद एज अ कंपनी दे कैन स्टार्ट देयर कंपनी स्टार्ट देयर मतलब अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं बट द पब्लिक कंपनी हैव टू फॉलो द थर्ड स्टेज ऑफ द कैपिटल सब्सिस्टम स्टेज. तो इसमें क्या होता है कैपिटल सब्सिस्टम स्टेज है ओनली द पब्लिक कंपनी हैव टू फॉलो द सब्सिस्टम स्टेज. क्यों बोला जाता है सब्सिस्टम स्टेज क्योंकि पब्लिक कंपनी में क्या होता है shares to be allotted for the general public. But in the private company, the shares was not allotted to the other general people. Yes, इसी आपको public company में हमलोग को capital subsistence stage follow करना है. So what are the steps involved in the capital subsistence stage? These are the steps involved in the capital subsistence stage. First is the SEBI approval. SEBI मतलब क्या था? Stock Exchange Board of India. इसका approval when the company get registered from the company and all the documents जिस company से related जो भी documents है वो SBI को SEBI मतलब Stock Exchange Board of India को जितने भी documents मतलब कितने number of shares आपको देना है क्या minimum subscription है क्या amount of shares आपको issue करना है ये पूरी documents आपको Stock Exchange Board of India को submit करना पड़ेगा. Yes. So first stage involved in the capital subsistence stage that the, all the documents must file in the Stock Exchange Board of India. Stock Exchange Board of India कौन है? मतलब जो capital market मतलब एक one type of investors who control the capital market जो हमारा stock exchange market को control करता है कितने numbers of company issue shares हो रहे क्या debentures हो रहे वो पूरी details हमको स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड से उसको पूरा मिलता है शेयर्स के बारे में शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में. नेक्स्ट दैट इज द प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस इज द जब पूरी फाइल डॉक्यूमेंट एसईबीआई में सबमिट हो गया देन द प्रोस्पेक्टस द डॉक्यूमेंट हाउ मेनी कितने टाइप के शेयर्स हम लोग को इश्यू करना एज अ रिपोर्ट में अगर डॉक्यूमेंट टाइप है जो हम लोग को एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में हमको फाइल रिपोर्ट पूरी तैयार कर. प्रॉस्पेक्ट इज द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट विच टू बी सबमिटेड टू द कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट में आपको सबमिट करना है. इट इज द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड अ फाइल हैव टू बी सबमिटेड इन द स्टॉक मार्केट. क्लियर. नेक्स्ट दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स ब्रोकर्स एंड द अंडर राइटर्स. अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर्स बैंकर्स और ब्रोकर्स अंडर राइटर मतलब क्या यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि हम लोग बैंकर्स ब्रोकर्स और अंडर राइटर्स को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं क्योंकि जो भी शेयर हमारा इश्यू हो रहा है वो कहाँ से आएगा कहाँ पर भेजेंगे डायरेक्ट कंपनी में तो कोई भेज नहीं सकता. तो अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर मतलब जो भी हम लोग शेयर इश्यू कर रहे हैं वो डायरेक्ट बैंक पे जाए बैंक से कंपनी कलेक्ट करे. जो भी हम लोग सेलर शेयर बेच रहे हैं वो जो शेयर होल्डर है वो कहाँ पे लेगा बैंक से उसको पैसा मिले. तो इसके लिए पहले जो कंपनी बना रहा है उसे बैंकर अलॉट करना है कि हमारा कंपनी इस बैंक से अलॉट है आपको जो भी नंबर ऑफ शेयर इश्यू करना है डिबेंचर पैसा जमा करना लेना है आप उस पर्टिकुलर बैंक में सबमिट करें. तो द थर्ड स्टेज फॉर द कैपिटल सब्सिस्टम का है कि द कंपनी मस्ट अलॉट फर्स्ट द बैंकर्स फॉर द इश्यूइंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स ब्रोकर्स फॉर द ब्रोकर्स इसलिए मतलब जो किसको मतलब हर लोग को ब्रोकर्स बैंक में नहीं जाएगा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. तो ब्रोकर्स ऐसा होता है जो हम लोग को दलाल बोलते हैं जिसको दलाल बोलते हैं मतलब जो सेल्स को खरीदवाता है बेचवाता है. तो ब्रोकर्स की भी बहुत जरूरत है ताकि वो पीपल्स को बारे में बता सके किस तरह का सेल्स हमको बेचना है कितने में मिल रहा है कितना आपको उसको प्रॉफिट है उस सेल्स की पूरी डिटेल्स देता है उसको हम लोग ब्रोकर्स बोलते हैं. अंडर राइटर्स बोलते हैं मतलब कहीं प्रचार करना जिसको अपना सेल्स के बारे में प्रचार करना उसको उसको बोलते हैं अंडर राइटर्स. क्लियर. तो ये हमारा फोर्थ स्टेज है सॉरी थर्ड स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज का. ना फोर्थ स्टेज इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब जो एप्लीकेशन मनी होती है शेयर की वो होता है कि एज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी रिसीव बाय द कंपनी. मतलब सपोज द कंपनी इश्यू कर रहा है कोई शेयर 10,000 शेयर इशू कर रहा है तो एटलीस्ट 9,000 शेयर की पैसा हमको आना चाहिए. अगर फंड है कि नहीं है उसको भी देखा
तो मिनिमम सोचा मतलब एटलीस्ट मिनिमम मनी रिसीव हम लोग को होना चाहिए 10,000 या 9,000 को मत, उसमें ये नहीं पूरा उसमें से हाफ मोर देन हाफ तो नहीं है, उसके लिए अगर नहीं इश्यू हुआ तो फिर से कंपनी को अपने शेयर को इश्यू करना पड़ेगा। तो ये हमारे जो पब्लिक कंपनी है वो शेयर आज पब्लिक से फंड इकट्ठा करना चाहता है, इसलिए इनको ये सब पूरी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब हमारे पास फंड का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर सके। क्लियर? नेक्स्ट दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एप्लीकेशन अगर ये सब प्रोसेस जब हो जा रहा है, कितना हमको शेयर इशू करना है, बैंकर अलॉट हो जा रहे हैं, ब्रोकर अलॉट हो जा रहे हैं, कितने हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करें, तब हमारे पास एक क्या वर्क होता है कि एक एप्लीकेशन हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में देते हैं ताकि हमारा ऑल द जो फाइल डॉक्यूमेंट पूरा क्लियर हो रहा है, हमको अलॉटमेंट फंड भी इकट्ठा हो गया, हम शेयर भी इशू कर दिया, हमें अलॉटमेंट जो भी था उसके पैसे भी मिल गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी पैसे आ गए, तो वो चीज होता है एप्लीकेशन सबमिट करते हैं स्टॉक से। अगर स्टॉक एक्सचेंज को लगे कि हाँ इनका पूरा डॉक्यूमेंट फाइल प्रिपेयर्ड है, कंप्लीट है, देन दे गिव अ सर्टिफिकेट, नाउ यू कैन कमेंस योर बिजनेस स्टार्ट नाउ। नाउ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, तो एप्लीकेशन जब स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एप्लीकेशन जब मनी रिसीव हो जा रहा है, देन द अलॉटमेंट शेयर कैन बी इशू। तो ये शेयर फिर अलॉटमेंट मनी मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट आने की जरूरत है, कंपनी को दूसरा इंस्टॉलमेंट आने की जरूरत है, तो वो दूसरा अलॉटमेंट शेयर फिर देते हैं कि पीपल्स को कि हम इतने नंबर ऑफ शेयर इस कंपनी में, सो यू आर रेडी टू बाय दिस शेयर विद अ मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब आपको अगर शेयर से प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट है, यू कैन अलॉटेड द शेयर टू फ्रॉम द पब्लिक। तो ये भी होता है एक अलॉटमेंट शेयर जो हम लोग पब्लिक से शेयर्स को खरीदवाते हैं ताकि हमारा कैपिटल फंड इकट्ठा हो, फंड इकट्ठा हो तभी तो लोग कंपनी स्टार्ट करें। कंपनी एक ऐसा नहीं कि हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कि हम एक लोग एक कंपनी स्टार्ट करें, वो पीपल से थोड़ा थोड़ा पैसा लेके हर चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज मुझे किस पास 100 शेयर ले रहा, कोई 200 ले रहा, कोई 500, तो अकॉर्डिंग टू द नंबर मतलब एक शेयर का इतना दाम है तो आप उस शेयर के हिसाब से खरीदते हैं। तो वो चीज हमारे पब्लिक कंपनी में होते हैं, प्राइवेट कंपनी में तो आपको शेयर किसी को देना नहीं, खरीदना नहीं, अपने शेयर मतलब जितने पार्ट कंपनी में जितने लोग रहेंगे मतलब मेंबर्स बनेंगे वही लोग अपने में उस शेयर खरीदेंगे, अपने ही खरीदेंगे, अपने बेचेंगे उसी में। लेकिन पब्लिक कंपनी में आज जनरल पीपल विल ऑल्सो इन्वॉल्व इन परचेसिंग एंड सेलिंग द शेयर। मतलब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो तुम लोग बोलते हो सहा सट्टा बाजार मतलब शेयर मार्केट होता है उसमें होता है ये हमारा पब्लिक एक्सचेंज पब्लिक कंपनीज में। तो दिस इज द थर्ड स्टेज फॉर द कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। नाउ द फोर्थ स्टेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी दैट इज द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में अब बिजनेस स्टार्ट करने का समय आ गया, जिस तरह से हमारा कैपिटल फंड का अरेंजमेंट हो गया, सब फाइल्स डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, स्टॉक एक्सचेंज जितने शेयर इशू करने करना है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये हमारा बिजनेस स्टार्ट होने का समय आ गया, अब हम लोग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग का क्या प्रोसेस है। ना बिफोर कमेंसिंग स्टार्टिंग द बिजनेस ये हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो हमको डिक्लेयर करना है कि एज अ कंपनी स्टार्ट हो रहा है आप लोग को क्या करना है। तो अ कंपनी फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, तो बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस ये सब फाइल हमको सबमिट करना है। क्या उसका फाइल सबमिट करना है, फाइल अ डिक्लेरेशन दैट द शेयर पेएबल इन कैश हैव बीन रिसीव्ड एंड द सब्सक्राइब फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मतलब एक डिक्लेरेशन मिला जा रहा है कि जितने भी शेयर हम इशू कर रहे हैं उसको आप कैश में पेड करेंगे, एज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए तभी आप कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब क्या बताया था, एटलीस्ट जो 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग पब्लिक को, एटलीस्ट 9,000 शेयर हम लोग का रिसीव होना चाहिए एज इन कैश, मतलब 9,000 शेयर का पैसा हम लोग को मिलना चाहिए तभी हम लोग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अ डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज टू पे द एप्लीकेशन एंड द अलॉटमेंट मनी इन कैश। मीन्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जितने मेंबर्स मतलब कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उन लोगों को बोला गया कि एटलीस्ट ऑल द डायरेक्टर्स हैव टू पे द एप्लीकेशन द अलॉटमेंट मनी इन कैश। मतलब ऐसा नहीं कि आप चेक में पे कर रहे हैं दो महीने बाद, नहीं, यू हैव टू पे इन कैश। क्लियर? नेक्स्ट अ डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज स्पेंडिंग फॉर टू पे द एप्लीकेशन मनी।
मतलब जो भी एप्लीकेशन मनी है उसमें कोई ड्यू नहीं रहेगा, सब मनी का ड्यू नहीं रहे, सबको पेड करना है एप्लीकेशन मनी, क्लियर। सो दिस इज द ऑल द फॉर्मेशन स्टेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, क्लियर। सो द स्टूडेंट और नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज व्हाट आर द मेन डॉक्यूमेंट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आफ्टर द वेरियस स्टेज द कंपनी ऑर्गेनाइजर हैज टू रन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, देयर इज द मेन डॉक्यूमेंट विच आर रिलेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। So in this topic we will discuss about the what are the main documents used in the formation of company. मतलब हम लोग को कंपनी फॉर्म करने के लिए हम लोग को क्या मेन डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि हम लोग कंपनी स्टार्ट कर सके, क्लियर। फॉर्मेशन मतलब हम लोग उसका नेक्स्ट उसको एक स्टार्टिंग पार्ट है कि हम लोग कंपनी को स्टैंड कर रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट्स मतलब हम लोग का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा कंपनी को रन करने के लिए। तो फर्स्ट देयर आर थ्री मेन डॉक्यूमेंट्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। थ्री मेन डॉक्यूमेंट्स हम लोग का यूज होता है, क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट इज MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट इज AOA एंड द प्रोस्पेक्टस। दीज आर द थ्री मेन डॉक्यूमेंट्स दैट वी आर यूज इन द फॉर्मेशन फॉर द कंपनी, क्लियर। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन क्या है इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इन शॉर्ट आई विल से अबाउट MOA, क्लियर। तो मेमोरेंडम एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या था, सबसे मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी का है, इट इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। इट कंटेन दोज कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मतलब ये वो सब कंडीशन कंटेन करता है जिसके बेस पर हमारा कंपनी रजिस्टर्ड होता है, मतलब हर वो चीज करता है जिसका हम लोग पहले से अगर पॉइंट करते हैं कि हमको कंपनी ये चीज चाहिए उसको, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब जब स्टैब्लिश हो रहा है हमारा कंपनी रजिस्टर्ड हो रहा है उसमें ऑलरेडी हम लोग वो चीज मेंशन कर देते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट इसमें रहता है, क्लियर। इन दिस डॉक्यूमेंट राइट्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी डिस्क्राइब। दिस डॉक्यूमेंट एक्ट एज अ बाउंड्री वॉल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एनी एक्ट बियॉन्ड दिस इज कंसिडर्ड एज अ अल्ट्रा वायरस। मीन्स ये हमारा एज अ कंपनी का बाउंड्री वॉल्स है, मतलब कंपनी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है, मतलब एज अ बाउंड्री वॉल मतलब क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उद्देश्य हम कंपनीज को ले जा रहे हैं, क्या हमारा मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव है, सोशल मोटिव है, मतलब हर चीज उसमें मेंशन करना है कि हमको कंपनी कहाँ पर स्टैब्लिश करना है, किस स्टेट में करना है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट है कि पब्लिक है। तो ये सब जब रजिस्टर्ड होता है उसी समय सब चीज लिख दिया जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोला जा रहा है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हर चीज का वो फाइल किया जाता है कि कौन से स्टेट का है, उस देश का डोमिसाइल होता है तो आपको उसका पूरा फाइल देना पड़ता है, किस ऑब्जेक्ट से आप कंपनी स्टैब्लिश करें उसका डॉक्यूमेंट देना। तो ये एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट मतलब पूरे कंपनी का रूल्स और रेगुलेशन जो रहता है कि हम किस तरह से कितना हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, कितना हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स है, वो सारे चीज इसमें मेंशन किया था। बाउंड्री बोला जा रहा है बाउंड्री वॉल ऑफ द कंपनी, मतलब एक तरह से वॉल है कंपनी का जिससे हमको बिफोर एंटरिंग द कंपनी मस्ट हैव टू फॉलो दिस रूल्स। मतलब कोई भी शेयर होल्डर क्रेडिटर अगर एज यू आर बिकमिंग अ पार्ट मेंबर ऑफ द कंपनी देन यू हैव टू बाइंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो इन द गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिया रहा है कंपनी से वो आपको पहले फॉलो करना, देन यू हैव टू एंटर इन द कंपनी, क्लियर। मतलब शेयर होल्डर्स को इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले इस बात के बारे में पूरा डिटेल्स में दिया जाता है कि आपको इतनी सेल्स देना, आपको इतने ये उद्देश्य हमारी कंपनी का, हमारा कैपिटल इतना और इन्वेस्ट हो रहा है, जो भी है मतलब आउटसाइड उसका आउटसाइड जो परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी का होता है वो पूरा डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो किया जाता है, क्लियर। मतलब एक स्ट्रक्चर हो गया कंपनी का जो एज अ डायग्राम की तरह हम लोग को बनाया जाए कि स्ट्रक्चर में क्या नेम है, क्या ऑब्जेक्ट है, किस स्टेट पर है, किस लाइबिलिटी बेस है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी की लिमिटेड लाइबिलिटी है, कितने कैपिटल ऑथराइज कर रहे हैं, ये सब पूरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में फाइल किया जाता है, क्लियर। तो इट एक्ट एज ए बाउंड्री वॉल ऑफ द कंपनी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। बिफोर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन
if you are not the and who is prepared the memorandum of association, matlab kaun ye document prepare, the promoter is prepared the memorandum of association, wo log owners hota hai, jo owners hote hain वो ये प्रिपेयर करता है कि क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, वो पूरे स्ट्रक्चर से बताता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसे बना रहा है। तो जो भी हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा मस्ट हैव ए नॉलेज अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और कोई भी स्टेक होल्डर अगर इस रूल्स और डॉक्यूमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशन से खिलाफ जाएगा, मतलब नहीं फॉलो करेगा, देन उसका कोई भी मतलब जो भी डिसीजन है उसको वैलिड नहीं लिया है, उसको मतलब अनवैलिड कर दिया जाएगा, क्लियर। तो इसमें अगर कोई भी अगर आपका शेयर होल्डर क्रेडिटर्स को एज अ मेंबर इंटर करना है, देन यू हैव टू बाइंड फॉलो द ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोड बाय द कंपनी, क्लियर। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द मेमोरेंडम एसोसिएशन, एंड दिस मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑल्सो कंटेन सम क्लॉजेस। क्या क्या क्लॉजेस कंटेन करता है, इन द लेफ्ट साइड आई हैव रिटेन, दैट इज द नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड द एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो ये सब जो मेन क्लॉजेस है इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होता है। नेम क्लॉज क्या होता है कि हमको कंपनी का क्या नेम रखना है, हम किस उस कंपनी को सपोज स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कंपनी किस नेम से स्टार्ट होगा। तो इसमें भी बाउंडेशन है कि आप कोई भी ऐसा नेशनल एम्बलम या नेशनल कोई कंपनी स्टाब्लिश उस नेम से आप स्टाब्लिश नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी पब्लिक कंपनी तो यू हैव टू राइट एज ए सूर्या लिमिटेड कंपनी, ठीक है, पब्लिक है। अगर प्राइवेट है तो उसमें आपका जो भी है सूर्या प्राइवेट लिमिटेड, मतलब उससे प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। पब्लिक कंपनी में सिर्फ लिमिटेड लिखना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसी का भी नाम हो उसको पब्लिक, लेकिन आपको कोई भी ऐसा सील्स नहीं देना है, ऐसा सील मतलब जो मतलब स्टाम्प होता है जो हमारे नेशनल एम्बलम गवर्नर्स और एम्परर के है उस पर आप उस मोहर नहीं दे सकते, मतलब उसका सील नहीं दे सकते, आपको एक अलग सा सील देना पड़ेगा। मतलब जो आकर हमारे नेशनल पर डिपेंडेंट सील्स उसको आप अपने कंपनी का सील्स नहीं बना सकते, क्लियर। तो पब्लिक कंपनी में आप पब्लिक लिमिटेड लिखोगे और प्राइवेट कंपनी में वी कैन रिटेन एज अ प्राइवेट लिमिटेड, क्लियर। तो ये होता है नेम क्लॉज, दैट इज राइट द नेम्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का नेम किस में लिखा जाएगा, किस क्या लिख सकते हो, ऐसा नहीं अपन मानिए आप जो भी क्या लिख सकते हो, ऐसा नहीं, और किसी और अदर कंपनीज को आप लोग कॉपी भी नहीं कर सकते हो, क्लियर, दैट इज द नेम। सेकेंड इज अ सिचुएशन क्लॉज, आई हैव नॉट इन द सेकेंड ऑब्जेक्ट बट सेकेंड इट इज अ सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज क्या होता है, सिचुएशन क्लॉज में होता है कि किस स्टेट में हमारा कंपनी स्टैब्लिश हो रहा है, क्या नेशनलिटी है, स्टेट और नेशनल, मतलब यू हैव टू नो द डोमेसाइल एंड द नेशनलिटी ऑफ द कंपनी। मतलब डोमेसाइल मतलब आप किस स्टेट से बिलोंग हो एंड नेशनलिटी मतलब इंडिया है या फॉरेन कंपनी। तो ये हमारा जो सिचुएशन क्लॉज का आइडेंटिफाई करता है वेदर द कंपनी बिलोंग टू द इंडियंस और द फॉरेन कंपनी, क्लियर। इसको सिचुएशन क्लॉज में हमारा स्टेट के बारे में लिखा जाता है कि स्टेट में हमने अपने कंपनी को स्टैब्लिश किया। नेक्स्ट दैट इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज मीन्स हियर द कंपनी इज टू फॉर्म टू फाइंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। आप किस उद्देश्य से कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं, वेदर इट इज मेन ऑब्जेक्टिव योर प्रॉफिट मोटिव या सोशल मोटिव। मेनली प्राइवेट कंपनी एस्टैब्लिश फॉर द प्रॉफिट मोटिव एंड द पब्लिक कंपनी एस्टैब्लिश फॉर द प्रॉफिट मोटिव बट अ रीजनेबल प्रॉफिट एंड फॉर द सोशल मोटिव ऑल्सो। प्राइवेट कंपनी हमेशा प्रॉफिट मोटिव पर अपना कंपनी फॉर्म करते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी कुछ पार्ट रीजनेबल प्रॉफिट के लिए करते तो है, बिना प्रॉफिट के आप कंपनी रन नहीं कर सकते। अगर रीजनेबल प्रॉफिट तो वो अपना कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं और उनका मेन एम्स और क्या रहता है टू सर्व द सोसाइटी, सोशल मोटिव भी उनका रहता है कि जो भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम एज अ रीजनेबल कॉस्ट में पब्लिक को पास जाए, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। मतलब यहाँ पर कंपनी का उद्देश्य आप किस मोड से आप कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट दैट इज द लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज किसके लिए होता है, प्राइवेट कंपनी में तो ऑल द मेंबर्स हैव ए अनलिमिटेड लायबिलिटी बट इन द पब्लिक कंपनी लायबिलिटी ऑल द शेयर होल्डर मस्ट हैव ए लिमिटेड लायबिलिटी।
मतलब हर शेयर होल्डर को एक लिमिटेड लाइबिलिटी था इफ अ कंपनी इंक्योर लॉस द शेयर होल्डर ऑल्सो इंक्योर द लॉस एट अ लिमिटेड परपज. मतलब ऐसा नहीं कि आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कंपनी का लॉस आपको पड़ा, हर शेयर होल्डर को अनलिमिटेड लाइबिलिटी दे दिया, तो उनको एक लिमिटेड लाइबिलिटी दे रही कि आपको अकॉर्डिंग टू योर शेयर यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस फॉर द कंपनी. क्लियर? दैट इज द लाइबिलिटी क्लॉजेस. कैपिटल क्लॉजेस, it describes, in this process, the company or the organization want to know what is the authorized capital of the company. Authorized capital of the company means, मतलब आपको कितना capital लग रहा है आपको company form करने. अगर आप share issue कर रहे हो तो जैसे आप 10 लाख का shares issue कर रहे हो तो आपको 10 लाख के अंदर ही shares लेना, उसके आगे आप नहीं ले जा सकते. Means you have a authorized to not go beyond, मतलब आपको शेयर तक दे, आपको 10 लाख का ऑथराइज कैपिटल, देन यू हैव टू रिसीव ओनली द 10 लाख शेयर्स, नॉट अबव दैट लेवल. क्लियर? वो होता है हमारा कैपिटल क्लॉज. मतलब एक कंपनी अपना डिसाइड करेगा कि हम पास कितना ऑथराइज कैपिटल है कंपनी में स्टार लगाने के लिए. क्लियर? मतलब पहले से डिसाइड कर हमको इतना बिजनेस में इतना ऑथराइज कैपिटल लगाना है. क्लियर? दैट इज द कैपिटल क्लॉज. ना एसोसिएशन ऑफ द सब्सक्रिप्शन क्लॉज. सब्सक्रिप्शन क्लॉज में हेयर जो शेयर होल्डर्स इशू कर रहे हैं हम शेयर्स को, शेयर जो इशू कर रहे हैं शेयर होल्डर्स में, उसमें आज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हम लोग का एप्लीकेशन मनी मस्ट भी 90% रिसीव होना चाहिए, तभी हम आपका आगे प्रोसेस अलॉटमेंट मनी के लिए कॉल कर सकते हैं. नहीं तो एप्लीकेशन मनी अगर नहीं हमारा रिसीव हुआ 90%, तो हमको फिर से एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि इनवाइट फॉर द एप्लीकेशन. लेकिन एप्लीकेशन मनी सपोज आपका 100 शेयर आपने इशू किया, तो एटलीस्ट 90 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होना चाहिए, तभी आप अलॉटमेंट मनी के लिए कॉल कर सकते हैं. अदरवाइज यू विल नॉट कॉल फॉर द अलॉटमेंट मनी एंड अगेन यू हैव टू गिव एप्लीकेशन फॉर द एप्लीकेशन मनी टू इशू द शेयर. जब तक आपका 90% शेयर नहीं इशू होता, आप एप्लीकेशन मनी दूसरे शेयर को इशू नहीं कर सकते. सो दिस इज द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. क्लियर? नेक्स्ट वी कम टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द सेकेंडरी ऑफ यू कैन सेड एज अ सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. मतलब ये मेन प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, ये सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट है. क्लियर? इट रिफर्स टू दैट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इन विच द रूल्स ऑफ ए इंटरनल मैनेजमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन इन द MOU. मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिया गया उसको कैसे अचीव किया जाए, किस रूल्स और रेगुलेशन से अचीव किया जाएगा, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाए. मतलब इंटरनल अफेयर, मतलब ये कंपनी के अंदर के बात का जो रूल्स रेगुलेशन होता है कि किस प्रोसेस में हम लोग को प्रोडक्शन बनाना है, कैसे कौन से रूल्स फॉलो करना है, कौन से टाइम बेसिस पर करना है कि प्रोडक्शन बेसिस पर करना है, वो चीज पूरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मतलब इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के अंदर का रूल्स और रेगुलेशन डिस्क्राइब करता है, दैट इज नोन एज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. क्लियर? इट इज अ सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी प्रिपेयर्ड बाय द प्रोमोटर्स. नाउ दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोमोटर्स. यू नो हु इज द प्रोमोटर्स. प्रोमोटर्स इज द पर्सन हु इश्यू द शेयर फॉर द कंपनी. ही ऑल्सो प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट फॉर द कंपनी. क्लियर? इन दिस डॉक्यूमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन MOU. मतलब MOU में जो भी ऑब्जेक्टिव लिखा रहा है, क्या मोटिव है हमको, मेरा क्या उद्देश्य है कंपनी का, वो अचीव करने की इन लोग की जो रूल्स बनाते हैं वो चीज रहता है. एंड फॉर रनिंग द अफेयर्स द कंपनी स्मूथली. मतलब इनके रूल्स और रेगुलेशन पर हमारा कंपनी स्मूथली रन कर सकता है. अगर रूल्स और रेगुलेशन अच्छा मेंटेन किया, अच्छा पॉलिसी मेंटेन हुआ, क्या पॉलिसी होता है, वो चीज अगर हम लोग अच्छे से कर सकते हैं तभी हमारा कंपनी स्मूथली रन कर. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज वन ऑफ द सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच एक्सप्लेन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. क्लियर? तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में एक डिफरेंस है. मेमोरेंडम आपका बाउंड्री वॉल है, ये आपका इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मैनेज कंपनी का है, और ये जो आर्टिकल एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो हमारे कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट ऑफ 2013 के
मुताबिक वो रूल्स और रेगुलेशन बनता है। मतलब कंपनी आपको मालूम कंपनी में विदाउट कंपनी एक्ट के कोई भी रूल्स रेगुलेशन है, जो कंपनी एक्ट में लिखा रहेगा उसी से अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशन बनेगा। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है उसी के हिसाब से ये रूल्स और रेगुलेशन हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज द प्रॉस्पेक्टस। Prospectus is the third document of the company and it is applicable only for the public company, not for the private company. Prospectus हम लोग का सिर्फ public company के लिए applicable है, हमारे private company के लिए applicable नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा prospectus है issue of shares and debentures। मतलब ये public को issue कर रहा है कि हम लोग कैसे बाहर से जनरल पब्लिक से हम लोग कैपिटल इकट्ठा करें। प्राइवेट में क्या कहते हैं, जो बोर्ड मेंबर है उन लोग अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, बट इन द पब्लिक वी इन्वाइट द पीपल फ्रॉम द आउटसाइडर टू इन्वेस्ट योर कैपिटल इन अ पर्टिकुलर कंपनी। द प्रॉस्पेक्टस इज यूज ओनली प्रॉस्पेक्टस इज दैट डॉक्यूमेंट दैट इज यूज ओनली फॉर द पब्लिक कंपनी। क्लियर? तो इट रिफर्स टू द दैट डॉक्यूमेंट विच कंटेन द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन the issue and to which the company invite the public to apply for shares and debentures. Clear? जो हमने बताया ये public को invite दे रहा है, invitation दे रहा है कि हमारी companies का shares अच्छा है, आप इसको कम दाम में खरीद कर as a huge profit earn कर सकते हो। तो ये इनका main aim होता है कि large number of people को अपने company में इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाए कि आप लोग कैपिटल इन्वेस्ट करो, आज हमारा कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट रन पर है, आप लोग को कम दाम में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है? द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी जनरली इश्यू द प्रॉस्पेक्टस आफ्टर ऑब्टेनिंग द इनकॉर्पोरेशन। ये डॉक्यूमेंट का प्रमोटर्स क्या करता है, जब इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्टर्ड भी हो जाता है कंपनी एक्ट ऑफ 2013 से, तो प्रमोटर्स क्या करता है, पीपल्स को इश्यू करने लगता है शेयर डिबेंचर कि यू कैन नाउ गिविन द प्रमोटर्स गिविन द इन्विटेशन टू द पब्लिक टू इश्यू अबाउट द शेयर्स कि आप लोग नाउ यू कैन बाय द शेयर्स फ्रॉम पर्टिकुलर कंपनी फॉर बिकमिंग द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट फॉर दिस शेयर। मतलब अपने शेयर्स को खुद अच्छा, मतलब एक तरह से सेलिंग और बाइंग हुआ। क्लियर? शेयर्स जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को बेचते हैं कि पहले एडवर्टाइज करते हैं ना, तो ये प्रॉस्पेक्ट एक तरह से एडवर्टाइजमेंट हो गया कंपनी को, ये कंपनी का एडवर्टाइज कर रहा है कि हमारा कंपनी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्रोसेस से रन कर रहा है, स्मूथली रन कर रहा है, हमारा ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है। तो जो पब्लिक को एडवर्टाइज कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि आप हमारे कंपनी से शेयर्स लो। क्लियर? सो दीज आर द डॉक्यूमेंट विच आर यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। नाउ After this, we have completed the chapter forms of organization. This is the lengthy chapters of this business studies. So, before you watching the video, you all the students must read the book carefully. आपको book पढ़ना बहुत जरूरी है. If you read the book, you can better understand the chapters. Clear? अगर आपको books पढ़ोगे तभी आपको ये video भी समझ में आएगा. ऐसे नहीं आप बुक्स ही नहीं पढ़े वीडियो देख लो तो नहीं समझ में आएगा, आपको बुक्स पढ़ना ही है। बुक्स पढ़ोगे तभी वीडियो को क्लियरली समझ में आएगा कि मैम क्या पढ़ाना चाह रही। क्लियर? ओके, थैंक यू।